बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही टेस्टी सी ये मसाला इडली बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए है 1 कप सूजी, साथ ही ले लेंगे आधा कप दही। तो 1 कप सूजी के लिए मैंने यहाँ पर आधा कप दही लिया है। अगर खट्टा दही हो तो उससे भी बहुत ही स्पंजी इडली बनती है। साथ ही ले लेंगे 1 छोटा चम्मच नमक। सूजी, दही और नमक को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसे मिक्स करने के लिए मैं यहाँ पर थोड़ा सा पानी भी ले रही हूँ। अब सूजी को आधे घंटे के लिए यूं ही ढककर छोड़ देंगे ताकि सूजी जो है वो अच्छे से फूल जाए। तो मैं यहाँ पर इसे ढककर रख दे रही हूँ आधे घंटे के लिए। जब तक सूजी भीग रही है हम एक तड़का तैयार करेंगे। के लिए सबसे पहले लेंगे 1 छोटा चम्मच रिफाइंड तेल, साथ ही ले लेंगे आधा छोटा चम्मच देसी घी। इससे जो इडली है वो बहुत ही बढ़िया बनकर तैयार होती है। अब इसमें डाल देंगे सरसों के दाने और इसे क्रैकल होने देते हैं। यहाँ पर सरसों के दाने जो हैं वो हल्के से क्रैकल हो रहे हैं। अब इसमें ले लेंगे साबुत जीरा। तो जीरा और सरसों का फ्लेवर इसमें बहुत अच्छा आता है। तो आधा छोटा चम्मच मैंने यहाँ जीरा ऐड कर दिया है। अब लेंगे उड़द की दाल। तो मेरे पास ये काले छिलके वाली थी, मैं यही ले रही हूँ। और साथ ही ले लेंगे यहाँ पर चने की दाल 1 छोटा चम्मच। इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो दाल की बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। लो फ्लेम में इसे पकाना है। और साथ ही मैं ले रही हूँ अदरक, शिमला मिर्च और बारीक कटा हुआ प्याज। तो सबसे पहले अदरक इसमें डाल देंगे ताकि अदरक का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। तो अदरक को यहाँ पर लो फ्लेम में हल्का सा पका ले रहे हैं। और साथ ही ले लेंगे काजू। काजू को मैंने यहाँ पर छोटे टुकड़ों में कट किया हुआ है। हल्का सा पका लेंगे ताकि काजू का क्रंच भी आ जाए। और अब बारीक कटी हुई शिमला मिर्च इसमें डाल देंगे, साथ ही डाल देंगे प्याज। क्वांटिटी आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। प्याज को बहुत देर तक नहीं पकाना है, हल्का सा ही पकाएंगे ताकि इसका जो कलर है वो हल्का सा चेंज हो जाए। यहाँ पर कुछ देर मैंने इन्हें पकाया है और आप देख सकते हैं इसका कलर चेंज हो गया है। आप अगर मिर्च पसंद करते हैं तो यहाँ पर हरी मिर्च भी इस टाइम डाल सकते हैं इसमें। तो ये तड़का बनकर तैयार है। अब गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे। यहाँ पर आधा घंटा हो चुका है और सूजी जो है पूरी तरह से फूल गई। मैं यहाँ पर ये जो तड़का है ये सारा इसमें डाल देती हूँ और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये बहुत ही टेस्टी सी इडली बनती है, बहुत ही सॉफ्ट बनती है। अभी ये काफ़ी गाढ़ा है तो इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करते जाएंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फ्लेवर के लिए यहाँ पर कुछ करी पत्ता कट करके डाल देंगे, इससे इसका टेस्ट और भी अच्छा जाता है। आप चाहे तो इसे तड़के में भी यूज़ कर सकते हैं। बारीक कद्दूकस की हुई गाजर डाल देंगे। आप यहाँ हरे मटर भी यूज़ कर सकते हैं। ये बैटर अभी काफ़ी गाढ़ा है तो मैं यहाँ पर थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड कर इसका एक घोल बनाकर तैयार कर रही हूँ। अब लेंगे बेकिंग सोडा 1/4 टीस्पून। अगर आपके पास बेकिंग सोडा नहीं है तो जो ब्लू कलर का इनो का शैशे आता है आप एक शैशे इसमें यूज़ कर सकते हैं। उससे भी इडली बहुत ही फ्लफी और बहुत ही सॉफ्ट बनकर तैयार हो जाती है। इसे एक ही साइड की ओर एक ही डायरेक्शन में लगातार मिक्स करना है। और अब ये जो इडली के सांचे हैं इन्हें हल्का सा ग्रीस कर लेंगे। इसे ऑयल या घी से अच्छे से ग्रीस कर लें। ऐसा करने से इडली निकालते टाइम ये बहुत ही आसानी से निकल जाएगी और ये बर्तन से बिल्कुल भी चिपकेगी नहीं। इससे पहले भी मैंने बिना मोल्ड के दाल चावल से इडली कैसे बनाते हैं इसकी रेसिपी बहुत ही बढ़िया से आपके साथ शेयर की हुई है। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, लिंक आप वहाँ से ले लें। अगर आप दाल चावल की इडली पसंद करते हैं तो आप उस वीडियो को एक बार ज़रूर देखें। और कई बार ऐसा होता है कि टाइम नहीं होता है और इडली खाने का मन करता है तो उस टाइम पर आप ये सूजी की इडली बनाकर देखें, आपको ये इडली की रेसिपी भी बहुत अच्छी लगेगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सारे मोल्ड में मैंने इडली रख दी है और बर्तन में पानी डाल रखा है। इन्हें मैं इडली स्टैंड में सेट कर दे रही हूँ और इसे ढक कर रख देंगे। यहाँ पर 8 मिनट के लिए हाई फ्लेम में इसे पहले पकने देंगे ताकि इडली जो है वो अच्छे से फूल जाए। और उसके बाद 5 मिनट के लिए इसे लो फ्लेम में पकने देंगे तो उससे इडली जो है वो अच्छे से पक जाती है। तो टोटल 12 से 13 मिनट लगता है। अब मैं गैस की फ्लेम को बंद करके इसे ठंडा होने दे रही हूँ। अब ये अच्छे से ठंडा हो चुका है
तो मैं यहाँ इसे बाहर निकाल लेती हूँ। वैसे तो ये इडली अच्छे से पक चुकी है, फिर भी इसे टूथपिक से एक बार चेक कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं टूथपिक एकदम साफ निकल रही है, इसका मतलब इडली जो है वो अच्छे से पक गई है। तो ये इडली एकदम अच्छे से पकी हुई है, अब मैं इसे बाहर निकाल लेती हूँ। तो थोड़ी देर के लिए सांचों को यूं ही बाहर छोड़ देंगे क्योंकि ये अभी बहुत गर्म है। और ये जो बर्तन है इसे मैं उठाकर साइड रख लेती हूँ। तो ये गर्मा गर्म इडली बहुत ही बढ़िया बनी हुई है। और अब इसे डिमोल्ड करेंगे, तो इसके लिए कोई चाकू या कोई चम्मच आप ले लें और इस तरह से कट करें, तो आप देख सकते हैं ये बहुत ही आसानी से निकल जा रहा है। ये इडली बहुत ही फ्लफी बनी हुई है, बहुत जालीदार बनी है। तो इस तरह से सबसे पहले ये सारी इडली यहाँ से निकाल लेंगे। ये देखिए ये इडली कितनी खूबसूरत बनी हुई है, बहुत ही अच्छा इसका टेस्ट आता है। तो चलिए इन्हें सर्व भी कर देते हैं। और ये जो इडली है इसे यूं करके खड़ा करके रखते हैं तो इस तरह से ये ज़्यादा अच्छी लग रही है। इसके साथ मैं ले रही हूँ नारियल की चटनी और साथ ही लेंगे गर्मा गर्म सांभर। सांभर और चटनी के साथ इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। छुट्टी का दिन हो, कभी कुछ अलग खाने का मन करे, कुछ हल्का खाने का मन करे, तो आप इस रेसिपी को ट्राई कर सकते हैं। यहाँ पर एक इडली आपको मैं कट करके भी बताती हूँ। तो ये बहुत ही सॉफ्ट बनी हुई है, तो ये देखिए बहुत ही जालीदार ये इडली बनी है। आपको ये रेसिपी कैसी लगी मुझे ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।